मैं हूँ आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की तिलिस्मी पोखर चर्चाओं में पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत खुले आम करोड़ों के घोटाले करने का मामला सामने आया है, जिस पर प्रशासन जवाब देने से कतरा रहा है। कामा क्षेत्र की लेवड़ा, उदाका, सबलाना इन पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। पंचायतों के ग्रामवासियों का कहना है कि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने निजी व्यक्तियों के नाम मिस्ट्रॉल में जोड़े जाते हैं, वो मौके पर काम भी नहीं करवाया जाता है। उपखंड मुख्यालय बांदीकुई स्थित कुटी पर नव संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकारी स्कूल की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पालिका अध्यक्ष इंदिरा बेरवा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक काट, पीडी बेरवा व पार्षद मनमोहन बेरवा के आतिथ्य में संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में मौजूद सदस्यों ने अपने विचार रखे व विद्यालय के उत्थान के बारे में चर्चा की। खींवसर उपखंड मुख्यालय पर शहर के उपखंड कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के सहयोग से किसानों का 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान सभा के तहसील अध्यक्ष चूनाराम पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त को आयोजित राष्ट्रवादी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न संगठन के सहयोग से खींवसर SDM कार्यालय के सामने बड़ी तादाद में किसान एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। किसान सभा के वरिष्ठ नेता कवराराम गोदारा ने बताया कि राष्ट्रव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खींवसर उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष कृषि बिल, डीजल, पेट्रोल गैस की बढ़ी दरों को आसमान छूती महंगाई को लेकर किसान सभा व अन्य सहयोगी किसान संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन उपखंड अधिकारी खींवसर को राष्ट्रपति के नाम दिया जाएगा। आगामी 9 तारीख सोमवार को उपखंड कार्यालय खींवसर के समक्ष काले कृषि कानून, पेट्रोल डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उपखंड कार्यालय खींवसर के सामने धरना प्रदर्शन होगा और सरकार का जो काले कृषि कानूनों के प्रति जो रवैया है उस अहंकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन के अंदर खींवसर क्षेत्र के बड़ी तादाद में किसान भाग लेंगे। भीलवाड़ा के मांडल में शहीदों की शहादत में बनी 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक 32 खंभों की छतरी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के प्रमुख घनश्याम जोशी ने बताया कि 26 वर्षों से श्रावण माह की हरियाली अमावस्या से 15 दिवसीय श्रावण महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन 2 वर्षों से कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। वही शिवलिंग को 15 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है व महाआरती व प्रसाद का आयोजन इस दौरान किया जाता है। मांडल में स्थित 17वीं शताब्दी में बनी ऐतिहासिक स्थल मांडल 32 खंभों की छतरी, जो कि एक शिव भक्त था, जगन्नाथ कच्छावा सेनापति थे, उनकी याद में बनी ये ऐतिहासिक 32 खंभों की छतरी जो एक अपना एक अलग ही मुकाम बना चुकी है, जन आस्था का केंद्र बनी हुई है। इस ऐतिहासिक छतरी जो पूर्व में बहुत ही जर्जर व्यवस्था में थी और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इसके लिए यहाँ की एक समिति बनी हुई है, श्री सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति, और यहाँ के मंडल विधायक के अथक प्रयासों से इसका जीर्णोद्धार हुआ और आज ये बहुत ही अच्छे स्थान पर पहुँची है। वहीं यहीं पास में स्थित ये मेला आयोजन भी होता है। अरनौत कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक प्राइवेट ATM को निशाना बनाते हुए लूट का प्रयास किया। ATM संचालक अमित जोशी ने बताया कि सवेरे जब वह ATM खोलने आया तो देखा कि शटर एक साइड से टूटा हुआ है। जब उसने लॉक खोलकर अंदर देखा तो ATM का गेट टूटा हुआ था। चोरों ने कैश बॉक्स को तोड़ने का पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। चोरों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए ATM पर लगे दोनों कैमरे सहित DVR को भी चुरा लिया। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक ATM केंद्र है जो कि प्राइवेट है। मैं सुबह यहाँ पे आया और इस ATM का शटर खोलने की कोशिश की तो देखा कि शटर पहले से टूटा हुआ था। फिर मैंने अंदर आके देखा तो ATM टूटा हुआ है। ATM का कैश बॉक्स उन्होंने खोलने की कोशिश की पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए, उसको खोल नहीं पाए। और यहाँ पर मेरा CCTV कैमरा और DVR वगैरह सब लगा हुआ था जो कि गायब है। मतलब वो CCTV कैमरा और DVR यहाँ से खोल चुके हैं और इसकी मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई है जिसपे पुलिस कार्रवाई करेगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TPV न्यूज़।